हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पोको M2 Pro के MIUI 12 के अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पे रैंडमली यूज़र्स को यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया गया है और मेरे फ़ोन में भी यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि मैं ये पोको M2 Pro जो है मैं भी ख़रीद लिया हूँ और इसका जो अनबॉक्सिंग है जल्द ही आप सबको मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको जो है इसमें मैं बताने वाला हूँ क्या कुछ चेंजेस हुई हैं, MIUI 12 के जो है सारे लेटेस्ट फीचर मिलते हैं या नहीं मिलते, N22 बेंचमार्क स्कोर, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और इसका एक गेम प्ले भी बाद में मैं लेके आऊँगा। अभी के लिए तो फ़िलहाल सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे इसके अबाउट फोन में, तो आपको दिखा दूँ यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। तो ये अपडेट आया हुआ है और अपडेट में आप देख सकते हो क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे हुई है, सिक्योरिटी, नोट्स एंड वेदर सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं जो कि चेंजेस हैं। और अगर आपको इसको अपडेट करना है, आप में अपडेट नहीं आया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो सिंपली आप मैनुअली जो है अपडेट कर सकते हो इसके 3 डॉट पर जा करके। उससे पहले आप इसके MIUI 11 के लोगों पे जो है 11 टाइम टैप करना तो इनेबल हो जाएगा अपडेटर, तो चूज़ पैकेज पे जाके अपडेट कर लेना। तो मैं यहाँ से जो है अभी से अपडेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे में तो अपडेट आया है, लिंक आपको दे दूँगा, तो वहाँ से अपडेट आप कर लेना जिसका नहीं आया, बिल्कुल ईजी। तो यहाँ पर हमारा जो है डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है, 692 MB के करीब जो है ये अपडेट है। और ये अपडेट हो गया, मैं यहाँ पर रिबूट चेक कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे MIUI 12 का बूट एनिमेशन भी देखने को मिल गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सेटअप जो है कंप्लीट कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से कर लेना है। MIUI 12 न्यू फीचर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो लोड ले रहे हैं, तो आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर पहले का और अभी का किस तरीके से देखने को हमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है, आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट अभी आपका MIUI 11 वाला ही इनेबल रहता है। कास्टिंग आप देख सकते हो किस तरीके से हो गई है, मिनिमाइज आप कर सकते हो, एंड ये सारी चीज़ें हैं। विजुअल एक्सपीरियंस न्यू, तो काफ़ी अच्छा जो है एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है और काफ़ी फास्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो हम इसे कर देते हैं अपडेट नाउ। तो ये हमारा जो है सेटअप कंप्लीट हो चुका और यहाँ पे हमारा जो है फ़ोन अपडेट हो चुका। और मेन यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो रिमूव की गई है वो है चाइनीज़ एप्लीकेशन, जैसे कि मी ब्राउज़र एंड यहाँ पे मी वीडियो, तो ये एप्लीकेशन जो थे यहाँ पे रिमूव कर दिए गए। तो काफ़ी अच्छी बात है, उनको रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे अपडेट MIUI सक्सेसफुली हो चुका है और व्हाट्स न्यू आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको मैं ये सारे फीचर्स के बारे में दिखाता हूँ, क्या कुछ जो है चेंजेस अभी फ़िलहाल हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अबाउट फ़ोन आप देख सकते हो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, यहाँ पर नीचे फैक्ट्री रीसेट, बैकअप एंड रिस्टोर मिल जाता है, इस तरीके से जो है मिलने वाला है। और एंड्रॉयड 10 है, 1 सितंबर 2020 की सिक्योरिटी पैच यहाँ पे मिल जाती है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन MIUI ग्लोबल 12.0.1 स्टेबल। ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप इसके अपडेटर चेक पे आ जाओगे, जो कि चेक फॉर अपडेट, आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपने अपडेट्स को। तभी फ़िलहाल हमारा लेटेस्ट है बिल्कुल MIUI 12 का फ्रेश, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट। और यहाँ पे कंट्रोल चेंज करने के लिए सिंपली आपको जो है डिस्प्ले पे जाना है, क्योंकि आपका जो है ओल्ड वाला ही रहता है अभी। और यहाँ पे जाना है कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट में, तो आपको सिंपली यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इसको इनेबल कर लेना है। और बाकी सेटिंग्स अगर आप देखोगे तभी जैसे कि MIUI 12 की स्टार्टिंग में जो फीचर्स मिलते थे वो अभी फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं, सारे लेटेस्ट फीचर नहीं मिलते MIUI 12 के अभी। और ये हमारा कंट्रोल सेंटर है जो कि MIUI 12 का हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, वॉल्यूम पैनल जो है कुछ इस तरीके से है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पावर मेन्यू की, तो पावर मेन्यू भी हमारा नॉर्मल ही है, रिसेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाता है। ऊपर स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है और यहाँ पे एप्लीकेशन को आप होल्ड करके रखते हो, फ्लोटिंग विंडो भी यहाँ पर मिल गया है, दे दिया गया है, फ्लोटिंग विंडो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो जिस एप्लीकेशन में सपोर्ट है मैं उसको यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो जैसे कि इस पर, तो यहाँ पर ये जो है हमारा फ्लोटिंग विंडो इस तरीके से जो है मिल जाता है। और यहाँ पर इसको आप इस तरीके से डाउन करोगे तो ये जो है यहाँ पे फुल स्क्रीन हो जाएगा और स्वाइप अप करने पे जो है ये क्लोज़ हो जाता है। और इसे एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, अगर ऊपर ऊपर से आप ड्रैग कर सकते हो, यहाँ से पकड़ के जो है ड्रैग कर सकते हो इधर उधर,
तो कॉर्नर पे आप करोगे नीचे नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे या ऊपर टॉप राइट साइड पे, ये जो है स्मॉल हो जाता है छोटा सा। तो इस तरीके से जो है आप फ्लोटिंग विंडो यूज़ कर पाओगे। बाकी ये सारे फीचर्स हैं जो कि हमें यहाँ पे मिलने वाले, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जेस्चर में भी आप देख सकते हो अभी लेटेस्ट फीचर ऐड नहीं किया गया, जेस्चर सिंपल सा है बिल्कुल। एंड यहाँ पे आपका जो है इंडिकेटर भी अभी देखने को नहीं मिलता है, जो कि पोको लॉन्चर में अभी फ़िलहाल नहीं है, इसका अपडेट आएगा तभी होगा जो होगा। एडिशनल सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी है गेम टर्बो में। गेम टर्बो में पहले भी एडिशनल सेटिंग्स हमें देखने को मिलती थी, वीडियो टूल बॉक्स मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें आप इसकी ट्यूटोरियल्स जो है चेक कर सकते हो। सारी ट्यूटोरियल्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप सीख लोगे किस तरीके जो है फ्लोटिंग विंडो यूज़ करना है। एंड यहाँ पे डिजिटल बल्बिंग भी हमारा पहले वाला ही है जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो रीजन चेंज करने को तो हमें मिल जाता है, और फुल स्क्रीन जेस्चर ऑलरेडी आपको दिखा दे, नोटिफिकेशन लाइट, एसेबिलिटी जो है MIUI 12 के लेआउट में ही है बिल्कुल, न्यू UI के साथ है। तो UI जो है बिल्कुल हर एक सेटिंग्स की चेंज हो चुकी है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर हम चलते हैं ऐप्स के अंदर तो यहाँ पे भी सारी UI चेंज है। डुअल ऐप हमारा तो वर्किंग है, ऐप लॉक का जो है अभी फ़िलहाल पहले वाला ही है, बस लेआउट थोड़ा सा चेंज है। बैटरी एंड नोटिफिकेशन यहाँ पे पूरा UI जो है चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। ग्राफ जो है जो दिखाता है वो भी चेंज है। बैटरी बैकअप तो अभी फ़िलहाल आपको बिल्कुल तगड़े ही मिलने वाली, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन का आप देख सकते हो किस तरीके से देखने को मिल रहा है UI। एंड सिक्योरिटी आप देख सकते हो बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज हो चुका है सिक्योरिटी भी हमारा। और थीम्स तो हमारा जो है इंग्लिश में ही मिलता है, और थीम स्टोर अभी पहले वाला ही है फ़िलहाल जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और वॉलपेपर की बात करें तो ये भी आपका MIUI 11 वाला ही जैसा पहले था उसी तरीके से है। तो आप जैसा कि देख सकते हो ये सारी चीज़ें, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं अभी चेंज नहीं हुई हैं। और होम स्क्रीन भी आपका जो है पहले वाला ही है सेम। नोटिफिकेशन के अंदर आपका जो है ये भी हमारा पहले जैसा ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताया अभी पूरी तरीके से MIUI 12 के फीचर्स नहीं आए हैं, और पहले के भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का UI चेंज है, एंड यहाँ पे हेडफोन ये इफ़ेक्ट जो है मिल जाते हैं। एडिशनल सेटिंग्स देखने को मिल जाता है आपको। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर रीडिंग मोड हो गया जो कि सेम देखने को मिलता है। कलर ये हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि कलर तो आपके बिल्कुल फिक्स ही है, इनमें आपको दिक्कत नहीं, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। डार्क मोड के अंदर आपको जो है यहाँ पे इंडिविजुअल ऐप जो कि देखने को मिलने वाला है जैसे कि आप देख सकते हो। और नीचे चलते हैं तो कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट के अंदर, तो यहाँ पे फ़िलहाल आप ही आपको हाइड नोच ये सारी चीज़ें पहले में देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे जो है यूज़ न्यू कंट्रोल जो है आपको लेटेस्ट देखने को मिलने वाला है। और बाकी जैसे कि कंट्रोल सेंटर को जो साइड चेंज करने के लिए मिलता है वो अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मैं बोला हूँ कि बिल्कुल लेटेस्ट वाले MIUI 12 के भी फीचर्स देखने को नहीं मिलते, स्टार्टिंग में जो मिले थे बिल्कुल स्टार्टिंग में MIUI 12 के वही अभी देखने को मिल रहे हैं हमें। और लॉक स्क्रीन के अंदर भी आप देख सकते हो क्लॉक फॉर्मेट आपको मिलने वाला है MIUI 12 का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लेआउट जो है इस लॉक स्क्रीन का लेटेस्ट देखने को मिल जाता है एक MIUI 12 वाला। ग्लेंस 4MI आपका पहले वाला ही है, कोई चेंजेस नहीं हो तो हमेशा MIUI 12 में भी आपका सेम रहेगा। एंड यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है कास्टिंग मिनिमाइज़ करने के लिए मिलने वाला MIUI 12 में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज हुई हैं, तो आगे मैं अभी आपको सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। कैमरा UI कैसा है सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड यहाँ पे ब्लूटूथ हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो सारी सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि UI जो है चेंज हो चुकी है हर एक सेटिंग्स की। और यहाँ पे सिम कार्ड के भी आप देख सकते हो कि जो है यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। और अबाउट फ़ोन तो हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज है, स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हो कैसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे MIUI 12 में। और यहाँ पे हम बात करते हैं ऐप बोल्ट की, तो ऐप बोल्ट हमारा पहले वाला ही है यहाँ पे फ़िलहाल। और कंट्रोल सेंटर के अंदर तो जो है बिल्कुल स्मूथ, और ब्राइटनेस भी जैसे करते हैं तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कुछ। और यहाँ पे क्लॉक जो है आपकी चेंज हुई है, क्लॉक का जो लेआउट है लेटेस्ट देखने को मिलने वाला है जैसे कि आप देख सकते हो। ये जो काउंटडाउन स्टाइल है लेटेस्ट मिलता है, ये पहले ऐसा नहीं था। एंड कैलेंडर हमारा चेंज हो चुका है, कैलेंडर भी है। ये एक चीज़ सही किया कि चाइनीज एप्लीकेशन को यहाँ पर इस अपडेट में रिमूव कर दिया गया है। और कैमरे की अगर हम बात करें तो कैमरा जो है आपका बिल्कुल लेटेस्ट UI के साथ मिलने वाला है MIUI 12 के। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड जो है ब्लर आप एडजस्ट कर सकते हो कितना ब्लर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें पहले भी मिलती थी, बस जो इसका UI चेंज हो गया है
काफ़ी ज़बरदस्त है। और मोर के अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, नाइट हो, 48 मेगापिक्सल हो, सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और फोटो के अंदर ये कुछ सेटिंग्स है कुछ इस तरीके से, बाकी इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, आगे मैं आपको सेटिंग्स में दिखाऊंगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। एंड वाइड एंगल जो है यहाँ पे दिया गया है, वो सारी चीज़ें भी आप जो है यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है आप देख सकते हो, ये दिए गए हैं वाइड एंगल, ये सारी चीज़ जो है आप यूज़ कर पाओगे जैसे कि पहले देखने को मिलता उसी तरीके से। प्रो के अंदर आपको ये सारी सेटिंग्स मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो कस्टमाइज में, जिसमें आप इस फीचर लेआउट जो है, जैसे कि मोर के अंदर आपके जो फीचर्स हैं, किस किस को आप ऐड करना चाहते हो, किसको बाहर नॉर्मल रखना चाहते हो। एंड यहाँ पे कैमरा मोड्स आप किस तरीके से मोर का ऑप्शन जैसे कि मिल रहा है हमें बाकी ऑप्शन के लिए, तो मोर रखना है या फिर स्वाइप अप करके पैनल नीचे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मिल जा रहा है। एंड कलर आप चेंज कर सकते हो, किस तरीके का कलर आपको चाहिए, यहाँ पे कलर भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी चेंज करने के लिए मिल जाता है, जो कि MIUI 12 के कैमरे में अच्छा है ये चीज़ दिया हुआ है। एंड यहाँ पे साउंड आपको जो है देखने को मिल जाता है, अलग अलग साउंड कैप्चर करने का जो है साउंड भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें कैमरे पे मिलती हैं। और यहाँ पे इसके चलते हैं वॉलपेपर के अंदर, तो यहाँ पे MIUI 12 के वॉलपेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे MIUI 12 के वॉलपेपर जो है हमें देखने को यहाँ पे मिल गए हैं। तो ये सारे वॉलपेपर्स भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे जो कि सिक्योरिटी हमारा है, तो सिक्योरिटी भी फ़िलहाल इस तरीके से पहले वाला ही देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे स्वाइप अप, जैसे कि नीचे से स्वाइप डाउन जैसे कि इस तरह करते हो तो आपका नोटिफिकेशन ही खुलता है, जो कि पोको लॉन्चर का ही ये प्रॉब्लम है फ़िलहाल, तो ये बाकी नॉर्मल जो लॉन्चर है रेडमी ये सब में होता है, उन सब में बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है। एंड यहाँ पे जो है आप गैलरी भी अपडेट है, गैलरी में आपके जो फ़िल्टर्स अभी तो पहले वाले ही फ़िलहाल देखने को मिलते हैं, ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे स्काई जो है इवनिंग एंड नाइट आपको बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इनका आप यूज़ कर पाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और वेदर जो है हमारा यहाँ पे चेंज हो गया है, तो वेदर भी आपको बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 271,820 हमें यहाँ पे स्कोर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी फिलहाल इस अपडेट में, तो मैं कंप्लीट कोशिश किया हूँ कि सारे फीचर्स को आपको दिखा दूँ। और अगर आपको सारे फीचर्स यहाँ पे दिखा दें तो आप ज़रूर, अगर कुछ मिस हुआ तो फिर भी आप बता देना मुझे। और इसकी अनबॉक्सिंग जो है जल्द ही मैं लेके आऊँगा, तो अनबॉक्सिंग भी आएगी, बाकी कैमरा रिव्यू सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा, बनाऊँगा वीडियो इसका जो है। तो यही सारी चीज़ थी यहाँ पे इस अपडेट में इसके, तो लेटेस्ट अभी बिल्कुल कंप्लीट फीचर्स अभी तो देखने को नहीं मिलते MIUI 12 के, क्योंकि सभी रोम्स में अभी जो फर्स्ट अपडेट आ रहा है तो सारे फीचर लेटेस्ट वाले नहीं देखने को मिलते। तो बस यही सारी चीज़ थी इस अपडेट में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।